दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सैनिक पेंट हाउस। आज हम बात करने वाले हैं ओबीडी, जिसको आम भाषा में डिस्टेंपर के नाम से जानते हैं, और ये इंटीरियर पेंट होता है। सीमेंट के बाद या पुट्टी के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। ये 20 लीटर की बाल्टी है, आप देख लीजिए। इस पर 1385 का प्रिंट है, MRP है, और 10/2023 का ये मैन्युफैक्चर्ड है। 20 kg की बाल्टी है। इसको लगाते कैसे हैं? दुकान पे अक्सर कस्टमर आते हैं और पूछते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, या इसको लगाने से पहले दीवार पर क्या लगा होना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बता दूं कि अगर आपका दीवार नया है, बिल्कुल प्लास्टर उस पर नया हुआ प्लास्टर है, तो कोशिश ये करिए कि आपका प्लास्टर सूख जाने दें। भाई अगर उसमें नमी रहेगी तो दिक्कत होगी, भाई आपके पेंट लगाने पर सीड़न या नमी वाली प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो पेंट को छूटने का खतरा बना रहता है, या शिकायत आती रहती है कि भाई हमारा पेंट क्यों छूट रहा है। तो उसमें नमी वाली ज़्यादा दिक्कत होती है। नमी अगर दीवार पे रहेगा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका दीवार सूख गया है तो उस पर आप पहले व्हाइट सीमेंट लगवाइए, या आपका बजट अगर अच्छे से है, ठीक ठाक है, तो आप सीमेंट प्राइमर भी लगा सकते हैं, या और भी बजट आपका ठीक ठाक है तो आप उस पर पुट्टी लगवाइए। एक हाथ पुट्टी लगवाइए, उसके बाद उसको सूख जाने पर दूसरे हाथ का पुट्टी लगवाइए। अब जब पुट्टी भी आपका सूख जाए तो उसको आप घिसाई, उसका रेखमाल से जो 120 नंबर या 150 नंबर का रेखमाल होता है, उसको ले जाकर आप उसको घिसाई करवाइए। अच्छे से घिसाई करवाइए कि कहीं आपका दीवार बराबर है या कहीं ऊंच नीच है, तो उसको आप दोबारा पुट्टी लगाकर रिपेयर कर दें और घिसाई कर दें। ये हो गया आपका पुट्टी लगाने का तरीका। उसके बाद में डिस्टेंपर, यही ब्यूटी डिस्टेंपर या ट्रैक्टर यूनो हो गया एशियन का, आप कोई भी डिस्टेंपर ले लीजिए, रॉयल सिल्क का ले लीजिए डिस्टेंपर, कोई भी डिस्टेंपर हो। लगाते कैसे हैं? इसको आप 1 लीटर पेंट में, आपका ओबीडी 1 लीटर ओबीडी रहेगा, उसमें 1 लीटर पानी ऐड करिए। 1 लीटर डिस्टेंपर में आप 1 लीटर पानी ऐड करिए और अच्छे से हॉरिजेंटल रो में लगाइए। इस तरह से लगाइए, इस तरह से आप एक हाथ लगाइए। उसके बाद जब आपका दीवार अच्छे से सूख जाए, फिर आप उसमें वही अनुपात रहेगा आपका, एक एक का अनुपात रहेगा। एक एक का अनुपात इसका मतलब होता है कि आपका 1 लीटर पेंट रहेगा और 1 लीटर पानी रहेगा उसमें। फिर आपका जब पहले वाला कोट सूख जाए, उसके बाद आप दूसरा कोट आराम से लगा सकते हैं। इसमें आप मन चाह पसंद अपने हिसाब से कलर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो आपका पसंद वाला कलर है उसका स्टेनर भी आता है, फास्ट रेड, फास्ट ऑरेंज, मतलब बहुत से स्टेनर आते हैं, फास्ट रेड, फास्ट येलो, येलो ऑक्साइड, कोई भी स्टेनर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अच्छी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी दीवार पर अपना मनचाहा पसंद वाला कलर बनवा सकते हैं। मशीन से भी कलर आप डिस्टेंपर में बनवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी बन जाता है। बस वो थोड़ा कॉस्टली होता है भाई, स्टेनर के अपेक्षा वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपका जैसा बजट हो आप वैसा लगवाइए। आपका अगर मशीन कंप्यूटर वाला कलर आपको अच्छा लगता है तो उससे बनवाइए, अगर आपका बजट कम है तो आप स्टेनर से भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर पेंट है ये, और आप अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।